सगरा नहर में मिली शादीशुदा युवती की लाश। नहर में लगाई छलांग, नहीं बचा पाए परिजन। अब समाचार विस्तार से। स्वागत है बक्सर संवाद में और मैं हूं अच्युत आनंद। खबर बक्सर जिले के राजपुर थाना क्षेत्र से है, जहां रामपुर राजबहा में सगराव फाटक पुल के नजदीक एक 22 वर्षीय शादीशुदा महिला की लाश देखी गई। सूचना मिलते ही मौके पर सैकड़ों की संख्या में ग्रामीण की भीड़ जमा हो गई। लोगों ने इसकी सूचना पुलिस को दी। सगराव गांव के समीप नहर में युवती की लाश पड़ी है, तभी कुछ ही देर में इस महिला के खोजबीन करते हुए परिजन भी मौके पर पहुंच गए। मृत महिला के भाई पप्पू कुमार, जो रोहतास के गोड़ारी थाना क्षेत्र के बिरौनी गांव के रहने वाले हैं, इन्होंने पुलिस को बताया, यह मेरी बहन है जिसका नाम पूजा कुमारी है। शव को कब्जे में लेकर पुलिस पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। घटना के संबंध में पप्पू ने बताया, हम लोग इसकी शादी 6 महीने पहले शिवसागर थाना क्षेत्र के सोनढेरा गांव के निवासी विकास कुमार के साथ किया था, लेकिन ससुराल वालों की प्रताड़ना की वजह से मेरी बहन पूजा मानसिक रूप से बीमार हो गई थी, जिसका हम लोग इलाज भी करा रहे थे। ससुराल वालों के विरुद्ध इसकी प्राथमिकी भी हम लोग ने स्थानीय थाने में दर्ज कराई है, लेकिन हमारा दुर्भाग्य है कि 2 दिन पहले इलाज के लिए पूजा को लेकर इसकी बहन अपने पति के साथ सासाराम गई थी, तभी लौटते वक्त मौका पाकर नहर में छलांग लगा दी और गहरे नहर के पानी में डूब गई। तेज बहाव होने के कारण हम लोग इसे बचा नहीं पाए और बहते हुए यहां तक पहुंच गई। सोशल मीडिया के माध्यम से या अन्य साधनों से इसकी तस्वीर भी हम लोग ने प्रसारित किया, लेकिन इसका कुछ पता नहीं चल पाया। तभी से हम लोग इसकी खोजबीन कर रहे थे। यहाँ एक बात सोचने वाली है कि नहर मार्ग से लाश बहते हुए और कई थाना क्षेत्र होते हुए 50 किलोमीटर से अधिक की दूरी तय करते हुए राजपुर थाना क्षेत्र के सगराव गांव के पास मछली मारने वालों के जाल में आकर फंस गए। ऐसा नहीं है कि इस लाश को यहां तक पहुंचने से पहले किसी ने पीछे नहर में नहीं देखा होगा। सूचना के मुताबिक इस लाश को धनसोई थाना क्षेत्र में भी देखा गया, लेकिन यह मानवता को शर्मसार करने वाली बात है कि किसी ने इस शव को नहर से निकालने की जहमत भी नहीं उठाई। मौके पर पहुंचे पप्पू के साथ उनके परिजन ओम प्रकाश पासवान, सुशील पासवान के अलावे गांव के कई लोग मौजूद रहे। थानाध्यक्ष संतोष कुमार ने बताया, शव परिजन को सौंप दिया गया है, अभी तक किसी तरह का कोई आवेदन प्राप्त नहीं है। आवेदन मिलते ही आगे की कार्यवाही की जाएगी। इस खबर में फिलहाल बस इतना ही। मिलते हैं किसी और वीडियो में अन्य खबर के साथ। खबर पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर कर देंगे तो और भी अच्छा। अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया या हमारे चैनल पर आप नए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि खबरों का सिलसिला बक्सर संवाद के साथ चलता रहे। धन्यवाद।